नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे दुबई में। जी हाँ भाई, दुबई के सुपर मॉल, दुबई का सुपर मॉल के नाम से भैया लोग आप इतना पैसा दे देते हैं, इतना पैसा दे देते हैं कि एजेंट की बल्ले बल्ले करवा देते हैं, क्योंकि सुपर मॉल एसी में काम करना पड़ेगा, मज़ा आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को? जी हाँ, सुपर मॉल में जॉब आया है भैया, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकते। बाकी डिटेल आपको पहले जान लेनी चाहिए, ताकि उसमें अप्लाई करने से पहले कुछ बातें आपको समझ में आ जाएं। तो पूरे 2 से 3-4 मिनट में ख़त्म कर दूंगा, पूरा देख लीजिए, ताकि आपको थोड़ा कम से कम तो नॉलेज हो जाए। जी पहले आपको मैं ऑफर लेटर दिखा देता हूँ, शॉर्ट तरीके से बात करते हुए। देख सकते हैं आप, अर्जेंट रिक्वायर्ड फॉर दुबई माल ऑफ इमरेट्स ऑफ RAS। आप समझ रहे हैं, गौर से देखने की बात है। माल पैकिंग हेल्पर, माल हेल्पर, माल कलनिक, मॉल कलनिक। आप देखिए, मॉल 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 में तीन प्रकार की जॉब है, हेल्पर में, हेल्पर में, फिर पैकिंग हेल्पर और हेल्पर और कलनिक में। सैलरी देख लो भैया, 1300 प्लस फूड यानी 200-1500 रुपये इसमें तनख्वाह मिल जाएगी। गल्फ एक्सपीरियंस आपको अगर है तो अच्छी बात है, इंडियन एक्सपीरियंस भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑल पासपोर्ट एक्सेप्टेड, दोनों पासपोर्ट अनपढ़ भी चल जाएगा, कोई दिक्कत है। ड्यूटी 10 घंटे रहेगी, 6 दिन आपको काम करना पड़ेगा। रहना खाना सब कुछ कंपनी दे देगी। जी हाँ, बस छोटा सा है एप्लीकेशन, 5 फोटो साइज फोटो, ओरिजिनल पासपोर्ट, CV, रिज्यूम, सब एक्सपीरियंस वगैरह सेंड कर दो, इतना ही है। कहाँ दिक्कत हो रही है भैया? इसके नाम से बंदे से मेडिकल करवा लिया 5000 रुपये दे के। जी हाँ, वीज़ा ऑनलाइन चेक किया बंदे ने, बोला सर मैंने वीज़ा चेक कर लिया। आजकल क्या कि बंदे भी ठीक है, अच्छी बात है, होशियार हो रहे हैं। वीज़ा चेक किया तो वीज़ा चेक नहीं हो रहा था। एजेंट से संपर्क किया तो एजेंट बोलता है आजकल एक रूल हो गया कि जब तक आप पेमेंट नहीं दोगे तब तक वीज़ा ऑनलाइन नहीं होगा। सोचने की बात है ना? तो यहाँ पे भी आपको भी सोचने की बात है कि भाई देखिए, मैं एजेंट हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, और मैं वीज़ा लेके आपको दे रहा हूँ। आपको मैंने वीज़ा दे दिया, वीज़ा आपने चेक किया, ऑनलाइन नहीं चेक हुआ, तो आपने मुझे फ़ोन किया कि सर वीज़ा चेक नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बोलूँगा भाई जब तक पेमेंट नहीं दोगे तो वीज़ा चेक कैसे होगा? पेमेंट देते ही 7 दिन में वीज़ा चेक हो जाएगा, वीज़ा ऑनलाइन शो कर देगा। तो अगर आप मेरे से सवाल ये कर सकते हैं कि सर चलो ठीक है आपकी बात हम मान ली, तो आपने ये वीज़ा कहाँ से लिया? फिर आप क्या एक वीज़ा लेने के लिए दुबई गए थे, या फिर 50 वीज़ा लेने के लिए फ्लाइट बाकायदा फ्लाइट लेके गए, बैग में वीज़ा डाल के भर के लेके इंडिया में आए, फिर हमें व्हाट्सअप किया? अगर ऑनलाइन नहीं हुआ तो ऑनलाइन निकला कैसे? सोचने की बात है ना? ये फुतू बनाने का सिस्टम है भाई। आप सवाल कर सकते हैं एजेंट से कि जब वीज़ा ऑनलाइन नहीं हुआ तो ये ऑनलाइन निकला कैसे? फिर ऑनलाइन हुआ है तभी तो ऑनलाइन निकला है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको बचा सकती हैं। बाकी ज़्यादा डिटेल के लिए ये बुक भी आप परचेज़ कर सकते हैं भाई, बहुत सस्ता जुगाड़ है, कोई महंगा नहीं है भाई। विदेश जाने के नाम से 5000 रुपये ठगवा लिए आप, 5000 रुपये इंडिया में रोज़ हज़ारों लोग ठगवाते हैं। तो मुझे नहीं लगता ये बुक आपको महंगी पड़ेगी, 1000 रुपये भी देते हैं तो मुझे नहीं लगता महंगी है। तो बाकी आपकी सोच और समझ है भैया, इसमें वो सब कुछ मिल जाएगा जो आपको ऐसे ऑफर लुभावने देते हैं और ऑफिस वाले होते हैं, उनसे बचने का उपाय इसमें दिया गया है। 320 पन्नों की बुक है, मैन पावर, ऑफिस, मेडिकल, वीज़ा, सब कुछ डिटेल इसमें मिल सकती है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।